वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। हु ऑल आर ज्वाइनिंग, प्लीज लिव अ मैसेज। गीतांजलि, आरती, जोनी, अजीत, स्वीटी, अ वॉर्म वेलकम, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, अ वॉर्म वेलकम। जय हिंद, वंदे मातरम। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सो दिस इज द पार्ट 7 ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, जो हमने ये सीरीज शुरू करी है, सॉरी पार्ट एट ऑफ दिस सेशन। तो ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी सीएपीएफ के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। आई एम होपिंग दिस सीरीज इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, द एस्पिरेंट्स, क्योंकि इसमें वी आर नॉट जस्ट डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वी आर डिस्कसिंग द कंसेप्ट्स एज वेल। सो सबका स्वागत है, थैंक यू। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। एकता, आदित्य, क्रेजी, कीना, वॉर्म ही वॉर्म है। अच्छा, वॉर्म वेलकम। अच्छा, वॉर्म ही वॉर्म है, चलिए बहुत सही, अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं सेशन की। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, बाकी भी आ जाएं, जो लाइव सेशन वाले हैं वो आ जाएं, बाकी कई बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं इन सेशंस को 1.5x की स्पीड पर। मेरे को एक दो बच्चों ने बताया कि सर हम बाद में देखते हैं। ठीक है, चलो। हेलो अमन, अमे, लाउड एंड क्लियर। ठीक है जी, सो हेयर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट फ्रॉम द 0 माइल सेंटर ऑफ इंडिया। अब ये थोड़ा सा बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है, बट स्टिल विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 0 माइल सेंटर के निकटतम है? अब इसके लिए आपको जो है विक्टोरिया मेमोरियल है ये, यहां पर 2 नहीं है। ओके, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अमन वेलकम, कि ये क्या है, ये 0 माइल सेंटर क्या है, कहां पर है ये 0 माइल सेंटर? ठीक है, 0 माइल सेंटर कहां पर है? हाँ जी, अगर आपको 0 माइल सेंटर पता है और इन कह लीजिए जो प्लेसेस हैं इनकी लोकेशन पता है, देन इट वुड बी इजी फॉर यू। नागपुर में है, वेरी गुड। किसने कहा ये? अमय त्यागी। तो ये आपका, हाँ जी, नागपुर में है। कुछ खास इसके बारे में कोई जानता हो, कोई इसके बारे में कुछ खास टिप्पणी? ओके, सो आंसर देखो, अब अगर आप नागपुर में बैठे हो तो नागपुर में बैठकर ये हो गया आपका आगरा, ये होगा हैदराबाद, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, आपका मुंबई, विक्टोरिया मेमोरियल, कहीं इनमें से कौन सी जगह जो है सबसे नज़दीक पड़ेगी आपको? सो आंसर आ जाएगा आपका चार मीनार, क्योंकि नागपुर से अगर आप देखेंगे हैदराबाद इज़ नॉट वेरी फार, ठीक है, इज़ नॉट वेरी फार। स्वीटी, सो बिल्कुल ठीक आंसर है आपका इसका पी, ठीक है, चार मीनार इज द नियरेस्ट प्लेस टू दिस। सो 0 माइल सेंटर नागपुर, सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया। सो दिस इज द नागपुर गेटवे ऑफ इंडिया, 800 किलोमीटर है, हैदराबाद 432, ताजमहल 831, चार मीनार जो है यहां पर आपको नियरेस्ट मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन इंडिया इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? हाँ जी, कर्क रेखा से कौन सी जगह? अब ये क्वेश्चन किसी बुक से आप नहीं पढ़ सकते, रट नहीं सकते, ये आपको इलिमिनेशन से ही करना पड़ेगा, ठीक है, इलिमिनेशन से ही करना पड़ेगा। हाँ जी, वाई नोन है 0 माइल सेंटर, मैंने अभी पूछा, भूल करो, बेसिकली सेंटर पॉइंट, ठीक है, सेंटर पॉइंट। हाँ जी, सो विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द प्लेसेस नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो सबसे नजदीक कौन सी जगह है? अब देखो, हमने ट्रिक पढ़ी है ना कि राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस वेट फॉर द मीटिंग, है ना? तो सबसे पहले तो हमें 8 राज्य पता होने चाहिए कौन कहां से गुजरता है ये। तो राजस्थान, पहले गुजरात है, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छा, अब यहां पर ये समझो कि इनमें से ये लगभग इम्फाल की ऑप्शन क्रॉस हो जाती है, एक एक करके चलते हैं, क्रॉस करते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि
मिजोरम से क्रॉस करता है। अगर ये मिजोरम से क्रॉस करता है, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, तो आइजवाल जो कि मिजोरम की कैपिटल है, इंफाल जो कि मणिपुर की कैपिटल है, तो लेस लाइकली चांसेस कि ये इससे क्रॉस करे। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन राजकोट। अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखोगे तो यहां से कहीं आपको गुजरता हुआ मिलेगा, राजकोट कहीं यहां पर मिलेगा, सौराष्ट्र वाले रीजन से तो ठीक ठाक दूर है, गुजरात से निकल रहा है बट राजकोट से काफी दूर है। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है कोलकाता। आप कोलकाता ऑप्शन हो सकता है। अब आपको ये देखना है कि वेस्ट बंगाल में मोटा मोटा कहां से ये गुजर रहा है। अच्छा, अब आप ये समझो कि त्रिपुरा से होकर गुजर रहा है, मिजोरम से होकर गुजर रहा है, तो ये आपका, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो अब ये पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करना है बाकी लोग, हाँ जी, तो यहां पर आप देखेंगे कोलकाता भी जो है काफी दूर पड़ जाता है, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, ये वाला दो ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको हिट एंड ट्रायल से ही करना है, देयर इज नो अदर वे। आप ये कह सकते हैं कि अच्छा मिजोरम से क्रॉस कर रहा है, मिजोरम की कैपिटल आइजवाल है, सेंटर में है, तो कहीं ना कहीं उसके पास में से होकर गुजर रहा होगा। ठीक है, सो ऑप्शन आपका बनेगा आइजवाल। यस, ये देख लो। अब ये यहां पर आप देखोगे कोलकाता यहां पर है। ठीक है, कोलकाता यहां पर है। ठीक है, और ये आइजवाल यहां पर है कहीं। ठीक है, और ये राजकोट कहीं यहां पर है। तो ये हिट एंड ट्रायल है, वेरी हाँ, प्रॉक्सिमिटी टू अगरतला ऑल्सो। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी टू अगरतला ऑल्सो, इवन रादर आई वॉज पोस्टेड वेरी नियर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वेरी वेरी नियर, मतलब लाइक लिटरली आई वुड से के एग्जैक्टली दैट पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, तो ये त्रिपुरा के, त्रिपुरा में भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से गुजर रहा था, तो ये जो है ये आपको यहां पर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर छत्तीसगढ़ में भी देखूं तो छत्तीसगढ़ के बिल्कुल नॉर्थ से होकर गुजर रहा है, झारखंड के बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा है, कलकत्ता ये रहा, देन आपका आइजवाल। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? सो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में बहुत ध्यान से करना है। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर कॉमन बाउंड्रीज विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स, कौन सा इनमें से राज्य जो है सबसे ज्यादा जो है स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगेन ये आपको लिखना पड़ेगा पेपर में। ठीक है, सारी स्टेट्स जो है आपको लिखनी पड़ेंगी, तो जाकर आप इसको आंसर को कर सकते हो। कैसा, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में कौन कौन है? ठीक है, अब ये 2013 का है, वैसे देखा जाए तो 2014 में तेलंगाना बना है। ठीक है, तो इसका वेरी वेरी गुड आफ्टरनून अनुज। अच्छा, मैंने सुबह एक लिंक शेयर किया था जिसमें आंसर राइटिंग था, दो तीन बच्चों ने ज्वाइन किया, चले गए। ठीक है, नोबडी राइट द आंसर्स, सब लोग सोच रहे हैं कि पेपर में जाके लिखेंगे, पेपर में क्या होगा, कैसे होगा। आंसर आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, आंसर है इसका छत्तीसगढ़, ये आपको लिखना पड़ेगा पेपर में। ठीक है, कि आंध्र प्रदेश के, अच्छा बॉर्डर में आपको उड़ीसा मिलता है, तेलंगाना मिल रहा है, ठीक है कर्नाटका मिल रहा है, ठीक है तमिलनाडु मिल रहा है, तो यू हैव टू राइट दीज। ठीक है, पेपर में देन वेस्ट बंगाल के जो नेबरिंग कह लीजिए स्टेट्स हैं, सिमिलरली छत्तीसगढ़। सो आंसर इसका है छत्तीसगढ़, सिक्स स्टेट्स नेमली दीज। ठीक है, ऑन द अदर हैंड तेलंगाना शेयर इट्स बॉर्डर विद सेवन स्टेट्स, बट ये क्वेश्चन 2013 का है। ठीक है, स्टेट ऑफ सिक्किम इज सराउंडेड बाय, अगेन स्टेट ऑफ सिक्किम इज सराउंडेड बाय, अगेन आपको पेपर में इमेजिन करना है कि हाँ जी कौन कौन से इसमें इसके बगल की स्टेट्स हैं या कंट्रीज हैं। सो नेपाल का बॉर्डर, फिर ये सिक्किम, और फिर ये भूटान, और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, तो ये बीच में छोटा सा पार्ट जो है सिक्किम का है, तो ये तो नेपाल हो गया, ठीक है भूटान हो गया, फिर ऊपर आपका चाइना हो गया, चाइना नेपाल भूटान। ठीक है, प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद असम। ठीक है, असम,
अगर आप चिकन नेक कॉरिडोर देखोगे तो असम यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। सो यहां पर आपका नीचे वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ बंगाल, ठीक है। अगर आप एक्चुअली में जाएंगे, अगर सिक्किम जाना है आपको, तो आप जो है सिलीगुड़ी एयरपोर्ट पे उतरते हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट है, बहुत फेमस, छोटा सा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। फिर वहां से 3 घंटे का रन है गैंगटॉक, ठीक है, गैंगटॉक, जी हाँ। तो असम को आप हटाओगे तो आपको वैसे क्लियरली आंसर जो है ए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पेपर में बहुत तसल्ली से, आराम से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है और किसी भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसे सेम क्वेश्चन आपका नागालैंड के लिए पूछा जा सकता है। ओके, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द लोकेशन ऑफ थार डेजर्ट इन द वेस्टर्न इंडिया। पश्चिम भारत में थार डेजर्ट के लिए सबसे कह लीजिए सही एक्सप्लेनेशन, ठीक है, सबसे प्रशंसनीय स्पष्टीकरण क्या होगा? ओके, प्रेवलेंस ऑफ सैंड्यून्स, सैंड्यून्स है वहां पर, एवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर बाय हीट, एब्सेंस ऑफ माउंटेन्स टू द नॉर्थ ऑफ राजस्थान टू कॉज ओरोग्राफिक रेनफॉल इन इट, द मॉइस्चर कैरिड बाय द साउथ वेस्ट मॉनसून इज ड्रिवन अवे बाय द ड्राई अपर एयर करंट। बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, चलो अच्छा ये बताओ, सैंड ड्यून्स तो कोस्टल एरियाज में भी होते हैं, ठीक है, तो वहीं पर ऐसा क्यों है? सैंड ड्यून्स तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, सो इज दैट द रीजन? रादर दैट इज द, आई वुड से दैट इज नॉट द कॉज, दैट इज द इफेक्ट, है ना। सैंड ड्यून्स इफेक्ट है कि वहां पर डेजर्ट है इसलिए सैंड ड्यून्स मिल रहे हैं। ओके, इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर बाय हीट, ये तो पूरे नॉर्थ इंडिया का फिनोमिना है। नॉर्थ इंडिया में हम अप्रैल में कहते हैं लू लग जाएगी, लू चल रही है, ठीक है। सो दैट इज इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर बाय हीट, दिस इज नॉट द प्लॉजिबल रीजन। नाउ व्हाट इज द मेन रीजन? व्हाट वी से कि जी जो हमारी दो ब्रांचेज आती हैं, ठीक है, एक अरेबियन सी वाली, ठीक है, एक आपकी बे ऑफ बंगाल वाली, ठीक है, दोनों कहां पर? पंजाब में जाकर मिलती हैं। अब ये वाली जो ब्रांच है, ये जब आती है इस तरीके से, यहां पर आपका थार डेजर्ट है, ठीक है। थार डेजर्ट लाई पैरेलल टू द अरेबियन ब्रांच, सो इट डज नॉट कॉज एनी सॉर्ट ऑफ हिंड्रेंस, कोई हिंड्रेंस कॉज नहीं करता, ये हवा सीधा के सीधा क्रॉस कर जाती है। अगर हैड द ये कुछ इस तरीके से रहता तो आपकी बारिश होती, ठीक है, अगर ये इस तरीके से रहता आपके जो अरावलीज हैं तो बारिश कुछ होती आपकी, जी हाँ, अरावलीज, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया आपका? ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं हो पाती। नाउ व्हाट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल? ओरोग्राफिक रेनफॉल जैसे आपको वेस्टर्न घाट्स में मिलती है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में मिलती है, यहां पर आपको सीधा सीधा वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं, हवा आती है और एक बैरियर की वजह से राइज करती है, मॉइस्ट, यहां बादल बनते हैं, बारिश होती है, दैट इज ओरोग्राफिक। तीन तरीके की रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल ड्यू टू हीटिंग, ओरोग्राफिक रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल हो गया कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट आमने सामने है, कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास सामने है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, क्लियर हो गया? हां जी, हाँ जी, यहां पर आप कह सकते हैं कि ये आपका इस तरीके से लाई करता है, तो ये जो अरेबियन सी की ब्रांच है ये इसके पैरेलल लाई करती है, किसी तरीके की ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं हो पाती। क्लियर हो गया? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सो इट्स दिस। चलो एक मोटिवेशनल कोट भी देख लो, डेजर्ट से रिलेटेड एक बड़ा फेमस एक कोट है, कह रहे हैं ना, देर वर नो लाइज हियर, ऑल फेंसिस फ्लेड अवे। जब आप डेजर्ट में, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, दूर दूर तक रेत है, कह रहे ये दिस इज ऑल व्हाट हैपेंड इन डेजर्ट, इट वाज जस्ट यू एंड व्हाट यू बिलीव्ड, ठीक है। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, जब आप अकेले होंगे तब आप और आपका विश्वास आपके साथ होगा। चलिए, तो इसीलिए अपना विश्वास बनाए रखें और आगे के क्वेश्चन पे बढ़ें, क्योंकि जब इंसान तैयारी कर रहा होता है तो बहुत लोग, अच्छा बेटे अच्छा अफसर बनोगे, तो जिस दिन बन जाओगे ऐसे ऐसे रिश्तेदार फोन आएंगे जो आपको याद भी नहीं होंगे कि हमारे मतलब नोन सर्कल में हैं,
चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू इज आर करेक्ट? द सदर्न प्लेट्यू ब्लॉक इज फॉर्म्ड मेनली ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस. द डेक्कन लावा प्लेट्यू इज एलिवेटेड टेबल लैंड कंसिस्टिंग ऑफ हॉरिजॉन्टली अरेंज लावा शीट्स. मालवा प्लेट्यू डोमिनेट्स द विंध्यन स्कार्प फॉर्मिंग द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेट्यू. द ट्रफ ऑफ नर्मदा एंड ताप्ती इज इंटरपोज्ड. इंटरपोज्ड होता है अंदर जो है मैं तो प्रिपरेशन. ओके, वेरी गुड. बिटवीन द विंध्या एंड द सतपुड़ा रेंजेस. ठीक है, सो नर्मदा और ताप्ती का गर्त जो है विंध्या और सतपुड़ा पर्वत मालाओं के बीच में बना हुआ है. दक्षिण पठारी खंड मुख्यतः ग्रेनाइट और नाई से बना है. दक्कन लावा पठार क्षतिज रूप से व्यवस्थित लावा शीट्स के युक्त एक ऊंचा टेबल लैंड है. मालवा पठार विंध्यन स्क्रैप पर हावी है जो कि पठार के पूर्वी हिस्से का निर्माण करता है. बहुत जगह इसका आंसर गलत दिया हुआ है. ठीक है, बहुत जगह इसका आंसर गलत दिया है, प्लीज इसको चेक कर लेना. मैं आपको इसके क्लास में एक्सप्लेनेशन दी है. आई नो जिन बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ने से पहले आंसर करा है वो गलत दिया आंसर, ध्यान से पढ़ो. आई गिव द एक्सप्लेनेशन टू दैट ऑल्सो. Because statement third में confusion है. So that is not the eastern flank, that is rather the western flank or the northern flank. ठीक है, अगर आप देखोगे जो मालवा plateau है, sorry मालवा plateau जो है वो मालवा plateau is here western मध्य प्रदेश. तो ये यहां पर आपको दिखाई देता है. मैं अभी आपको map दिखाऊंगा तो आपको और clear होगा. ठीक है, ये आपका ठीक है. देखो ग्रेनाइट और नीस सिंपली हम कहें तो इग्नियस रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स हैं. ठीक है, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंटरी रॉक्स हैं, बिल्कुल ठीक. ये आपका डेक्कन लावा प्लेट्यू अल्टीमेटली क्या है, एक एलिवेटेड लैंड है ना, रीयूनियन हॉटस्पॉट. जब लगभग आज से 60 से 70 मिलियन ईयर्स अगो, 6 से 7 करोड़ साल पहले, जब इंडियन प्लेट जो है इक्वेटर के पास में थी, वहां पर रीयूनियन हॉटस्पॉट, बहुत ज्यादा लावा निकला और ये लावा शीट्स आपका जो आज का महाराष्ट्र है वहां पर ये लावा शीट्स बहुत फ्लूइडिक लावा था. तो ये एक अपलैंड के रूप में आपको यहां पर देखने को मिलता है जिसको डेकन ट्रैप भी कहा जाता है. ओके, नाउ मालवा प्लेट्यू ये वेस्टर्न फ्लैंक है, वेस्टर्न और नदरन फ्लैंक आप कह सकते हैं. तो इट इज नॉट स्पेसिफिकली द ईस्टर्न फ्लैंक, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नाउ नर्मदा जो है वो आपको विंध्याज और सतपुड़ास के बीच में मिलती है. सो ऐसे समझो ये आपका विंध्याज है. ठीक है, इसके बीच में आपको इस नर्मदा, ठीक है, फिर यहां पर सतपुड़ा, सतपुड़ा के साउथ में बेतुल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है तापी, तापी या ताप्ती जो भी कह लीजिए. ठीक है, सो ये पूछ रहा है इंटरपोज्ड. इंटरपोज्ड, इंटरपोज्ड का मतलब होता है लाई इन बिटवीन. ठीक है, यहां पर लिखा है ना कि नर्मदा और ताप्ती का गर्त विंध्या और सतपुड़ा के बीच, तो विंध्या और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच में जो है नर्मदा नदी फ्लो करती है, नॉट द ताप्ती. ताप्ती इज साउथ ऑफ सतपुड़ा. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. आंसर आएगा आपका इसका सी. ठीक है, आंसर आएगा इसका सी. ये देख लो, ये रहा, अगर ये सेंट्रल हाईलैंड है, मालवा प्लेट्यू ये वाला रीजन है. ठीक है, फिर आपको यहां पर अरावली हिल्स मिलते हैं. ठीक है, अरावली हिल्स में यहां पर आपको मारवाड़ प्लेट्यू, यहां पर मारवाड़ प्लेन्स मिलते हैं. ठीक है, ये आपका वेस्टर्न फ्लैंक हो गया. सो दिस इज वेस्टर्न फ्लैंक. डेक्कन प्लेट्यू, फिर कर्नाटका, कर्नाटका प्लेट्यू में भी हमने पढ़ा था मल्लाद और मैदान आता है. ठीक है, फिर आपका तेलंगाना प्लेट्यू, दंडकारण्य प्लेट्यू, दंड अरण्य, दंडक, साम दाम दंड भेद, दंड माने पनिशमेंट, सो अरण्य फॉरेस्ट. ओके, यहाँ पर आपका शिलोंग प्लेट्यू जो कि कट गया है, गारो खासी जयंतिया छोटा नागपुर प्लेट्यू. एक क्वेश्चन में डाउट, हाँ जी, ने जब तेज हंडी मार्च स्टार्ट किया था, गांधी जी ने एग्जैक्ट प्लेस डांडी मार्च स्टार्ट किया, मैं समझा नहीं, किस प्लेस से डांडी मार्च? हाँ जी बिल्कुल, आश्रम से. ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो ये है आपका नर्मदा जो नदी है आपकी, वो
विंध्याज और सतपुड़ास के बीच में। क्लियर हो गया ये चीज, आगे चलते हैं। थ्री इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैव देयर सोर्स नियर द मानसरोवर लेक इन द ग्रेट हिमालयस, विच अमंग द फॉलोइंग आर द रिवर्स। हाँ जी, यस, तीन इंपॉर्टेंट नदियां जो कि आपकी हैं मानसरोवर लेक के पास में से गुजरती हैं, ठीक है। मानसरोवर लेक को अगर हम ऐसे मान लेते हैं रेडियल ड्रेनेज की तरह, ठीक है, रेडियल ड्रेनेज की तरह, तो एक नदी इस तरीके से बहती है, एक नदी थोड़ा इस तरीके से बहती है, एक नदी इस तरीके से बहती है, ठीक है। कौन कौन सी नदियां हैं ये? एक नदी थोड़ा आप कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में जाती है, एक थोड़ा वेस्ट की डायरेक्शन में। सो ये होगी सतलुज, यमुना और ब्रह्मपुत्र। कौन है ये सतलुज यमुना और ब्रह्मपुत्र वाला? बी किसने दिया आंसर? अच्छा नहीं है कोई बी वाला, ठीक है। सो दिस इज इंडस, ठीक है, ये आपकी है ब्रह्मपुत्र और यहां पर आपको मिलती है आपकी सतलुज, ठीक है, यहां पर आपकी सतलुज। आंसर क्या हो गया आपका? दिस, मैंने इसका ट्रिक भी बताया था आपको, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन सतपुड़ा एंड विंध्या रेंजेस? नाउ जस्ट हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया, चेमायुंगदुंग ग्लेशियर, वेरी गुड अंकित, ठीक है, चेमायुंगदुंग ग्लेशियर, ठीक है, या आंगसी ग्लेशियर भी बोलते हैं उसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन सतपुड़ा एंड विंध्या रेंजेस? नाउ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, विंध्याज और सतपुड़ास के बीच में। सो ठीक है, आंसर हो गया आपका नर्मदा। ये माहिल नहीं है, ये माही है, ठीक है, प्लीज इसको, सो इट इज माही, ठीक है। सो ओके, ये आज इंडियन ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं, ठीक है, तो ये नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूणी, ठीक है, ओके। एक बैतरणी है, एक वैतरणा है, दोनों अलग अलग हैं। बैतरणी और ब्राह्मणी, ठीक है, जो कि आपकी उड़ीसा में मिलती है, एक बैतरणा, वैतरणा, ठीक है। सो प्लीज इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये वेस्ट वाली ध्यान रखना, ये वेस्ट वाली कंफ्यूजिंग है, मांडोवी और ज्वारी गोवा में, ठीक है, कालीनाडी, बेटती, सो श्रावती, जिस पर आपको गरसप्पा वाटरफॉल्स मिलते हैं, गरसप्पा वाटरफॉल्स, ठीक है, देन भारत पुआ, ये पूजा या मतलब पुआ बोलते हैं इसको, यहाँ पर ये जेड साइलेंट रहता है। पेरियार नदी पर आपका एक बहुत फेमस टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, देन आपका पंबा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन है आई वुड से, देखते हैं किस किस को पता है इसके बारे में। मैं कोशिश करूंगा इसकी भी आपको आज ट्रिक बता दूं, ठीक है, मतलब याद करा दूं कि ये कौन सा पीरियड पहले था, आर्कियन, धारवाड़, है ना, क्रिटेशियस, ये जनरली कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए। सो दे बिलोंग टू, सो धारवाड़ जियोलॉजिकल सिस्टम, दे बिलोंग टू आर्कियन जियोलॉजिकल पीरियड, दे आर मेटामॉर्फोस्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, दे आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फॉर इट्स मिनरल रिसोर्सेज, दे आर फाउंड प्रीडोमिनेटली इन कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड झारखंड। ब्राह्मणी और बैतरणी जो है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है महानदी की, ठीक है, वो अलग नदियां हैं, प्लीज डोंट कंफ्यूज, ठीक है, महानदी की ट्रिब्यूटरीज नहीं है वो, उड़ीसा में बहती हैं बट महानदी की ट्रिब्यूटरीज नहीं है। महानदी की ट्रिब्यूटरीज की हमने ट्रिक पढ़ी थी, है ना, शिवनाथ अभासदे, ठीक है, ऑन द जोक ऑफ द मैन विद अ तेल ऑन हिज हेड, एक ऐसी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ठीक है, शिवनाथ हो गया, ठीक है, इब हो गया, ओंग हो गया, तेल हो गया, मांड हो गया, MAND या मांद कह लीजिए, तो ये हैं महानदी की ट्रिब्यूटरीज। ओके, ध्यान रखना ये सारी ट्रिक्स इसीलिए हैं कि पेपर में कंफ्यूजन ना हो। ओके, कौन कौन है ए वाला? अच्छा सी वाले भी हैं कई, सी वाले कौन से हैं? 3 और 4। ओके, ए महानदी राउंड अप, ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सब लोगों को लग रहा है ये क्वेश्चन है क्या है, है ना,
ठीक है, हिंदी में देख लो, हिंदी में देख के क्या होगा आंसर है इसका। चारों स्टेटमेंट सही है। आर्कियन रॉक्स विच आर द ओल्डेस्ट रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, अरावली एंड धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ रॉक्स अमंग द अर्लीस्ट सेडिमेंटरी रॉक्स करेंटली फाउंड इन मेटामॉर्फिक फॉर्म्स। बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंजेस आ गए हैं। दे आर लाइक रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, गोल्ड मैंगनीज आयरन और ये सारे आपको मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं। दे आर प्रिडोमिनेटली फाउंड इन कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड। ठीक है, जिसमें आपको लाइक नोटेबल प्रेजेंस इन छत्तीसगढ़ एंड मेघालय एज वेल। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आंचल, वेलकम टू द सेशन। ये है, ठीक है, इसकी थोड़ा सा ट्रिक कोशिश करते हैं। ऐसे कुछ ट्रिक मैंने बनाया, अब आप अपनी भी इसको ट्रिक बना सकते हो। मैं जस्ट सेशन से पहले सोच रहा था कि इसको कैसे याद किया जाए, तो ये चलते हैं कि भारत की हिस्ट्री को देखते हैं, है ना। भारत की हिस्ट्री को देखते हैं, अच्छे दिन चल रहे थे, ठीक है, अच्छे दिन चल रहे थे। फिर अंग्रेजों मतलब कटप्पा आया, ठीक है, और लड़ाई हुई, ठीक है, अंग्रेजों का शासन था, आपस में लड़ा दिया उन्होंने। कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया, आपस में लड़े। फिर विद्या देने आए लोग, ठीक है, मतलब हमारे जो लीडर्स थे, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल वाले लीडर्स थे, उन्होंने विद्या दी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहुत सारे लीडर्स आए जिन्होंने लोगों को समझाया कि लड़ो मत, साथ में हम लड़ेंगे। ठीक है, फिर राइज हुआ, ठीक है, हिमालय जैसे राइज हुए। राइज कब हुआ? जब हम देश आज़ाद हुआ, कार्बोनिफेरस पीरियड आता है। फिर क्या आया? फिर अब जो है गुजरात, जी जे है आपका गुजरात। अब किसका टाइम चल रहा है? गुजरात का, मतलब समझो, इशारा समझो, गुजरात का टाइम चल रहा है, गुजरात का डेकेड आ गया है। ठीक है, ये डेकेड किसका चल रहा है? गुजरात का डेकेड चल रहा है, गुजरात वाले खुश। ओके, अब जो है टी क्यू, गुजरात का डेकेड चल रहा है, डेकेड टी से, मैं भूल गया कि मैंने क्या सोचा था इसमें, टी। और फिर मैंने कहा था कि प्लेन्स, नदरन प्लेन्स में ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। नदरन प्लेन्स जो है वो भारत को आगे ले जाएंगे, क्योंकि ये द्रविडियन तो आगे पहले ही आ गए हैं, द्रविडियंस तो बहुत आगे शिक्षा में पहले ही आ गए हैं। अब नदरन प्लेन की बारी है, नदरन प्लेन वाले कह रहे हैं अब हम भी देश को आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक ट्रिक सा बनाया, कहानी टाइप समझ लो। ठीक है, सो अच्छे दिन चल रहे थे, कटप्पा आया, ठीक है, बीच में ये भी देखते चलना, ठीक है, अच्छे दिन चल रहे थे, कटप्पा आया, विद्या, फिर विद्या दी लोगों ने, हमारे लीडर्स ने, हिमालयस की तरह हम राइज किए, ठीक है, कार्बोनिफेरस, फिर गुजरात का भी डेकेड। बीच में जब राइज किए तो सबसे पहले द्रविड़ से आई ग्रोथ, साउथ से ग्रोथ आई, साउथ में पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें आई, फिर गुजरात का डेकेड चल रहा है अभी। ठीक है, गुजरात का डेकेड टाइम समझ लो, टी से टाइम, और उसके बाद हम नदरन प्लेन से ग्रोथ करेंगे। अब ये तो हो गई याद रखने का एक ट्रिक, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। चलो, अब क्या है, ये आर्कियन फेज है आपका 1800 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 180 करोड़ से लेकर लगभग 450 करोड़ साल, यही टाइम है ना जिसमें हम कहते हैं कि धरती बनी। ठीक है, धरती बनी तो 4500 से लेकर 1800 मिलियन ईयर्स तक आपको आर्कियन मिलता है। आर्कियन में दोनों मिलते हैं, आर्कियन नीस और धारवाड़ सिस्टम, और इवन आपका जो अरावलीज है वो भी यहीं पर मिलता है। अरावलीज को हम क्या कहते हैं? अरावलीज को हम कहते हैं कि जी लगभग, ठीक, क्योंकि धारवाड़ और आर्कियन को हमने अरावलीज और धारवाड़ में करा। देन आपका ये प्रॉन, जिसमें हमने कुडप्पा, नॉट कटप्पा, विंध्या, ठीक है, फिर आपका द्रविडियन कार्बोनिफेरस पीरियड आया, फिर ये आपका कह लीजिए जो टर्शरी पीरियड है, गोंडवाना, जुरासिक, जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी आपने, डेक्कन ट्रैप, जैसे कि जब हमारा इंडियन प्लेट थी इक्वेटर के पास में, देन टर्शरी जब हिट हुआ इंडियन प्लेट, ठीक है, इंडियन प्लेट हुई यूरेशियन प्लेट के साथ हिट, और उसके बाद आपका नदरन प्लेन्स बने, सबसे आखिरी में नदरन प्लेन्स बने हैं। ये हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात कर रहे हैं, सो दिस इज व्हाट वी कॉल द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आई नो थोड़ा सा टफ है, बट मैंने एक थोड़ा आपको ट्रिक भी बता दी याद रखने की, और लॉजिकली भी इसको आप समझ सकते हो कि सबसे पहले आपकी रॉक्स बननी शुरू हुई, ठीक है, लाइक
मतलब ऐसे समझो कि जब अर्थ बनी, तो अर्थ बनने पे सबसे पहले इग्नियस रॉक्स जो लावा थे बहुत ज्यादा आ रहे थे, वो ठंडा होना शुरू हुए, फिर इवेंचुअली आपका ये आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। ये वाला बहुत ही आप कह सकते हैं कि रीसेंट पीरियड है। हाँ जी, कुछ कुछ याद हुआ? ये भी एक डायग्राम है, ठीक है। सो आर्कियन नीस एंड शिस्ट, धारवाड़ सिस्टम, फिर कुटप्पा सिस्टम, विंध्यान सिस्टम, कार्बोनिफेरस पीरियड जिसमें आपको ये कोल देखने को मिलता है, द्रविडियन रॉक सिस्टम जिसको पेलियो पेलियोजोइक होता है पुराना, ठीक है। देन आपका रीसेंट रॉक्स में ये सारी चीजें आ गई। बिल्कुल, हिमालयाज जो है वो आपका लगभग 5 से 6 करोड़ साल पहले या 50 to 60 million years ago। अब अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन आपको अब थोड़ा इजी लगेगा इस ट्रिक के बाद जो मैंने अभी आपको बताई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जियोलॉजिकल सिस्टम इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ देयर एज, ठीक है। सो धारवाड़, अरावलीज, विंध्यांस, कुटप्पा। देखो, जो प्री कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन वो है, वो भी एक कह लीजिए एक फेज है जिसको हम याद करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से देखो, अब हो रहा है, अब ये टफ तो नहीं लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अरावलीज ये हो गया आर्कियन फेज में ना, धारवाड़ और अरावलीज, ठीक है। देन आपका दिस, कुटप्पा, देन विंध्यास, ठीक है। आंसर हो गया आपका दिस। नाउ इट बिकम्स इजी फॉर यू आई होप। सो अरावलीज, धारवाड़, कुटप्पा, विंध्यान, दे आर फॉलोड बाय दिस द्रविडियन, गोंडवाना, डेक्कन ट्राइब्स, टर्शरी, क्वार्टनरी रिस्पेक्टिवली। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पास थ्रू द काजीरंगा नेशनल पार्क। हाँ जी, कौन सा जो है काजीरंगा नेशनल पार्क, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पास थ्रू द काजीरंगा नेशनल पार्क? ब्रह्मपुत्र रिवर, दिफ्लू रिवर, नेशनल हाईवे नंबर 37, रेलवे ट्रैक ऑफ इंडियन रेलवेज, रेलवे ट्रैक ऑफ इंडियन रेलवे। हाँ, इसका क्वेश्चन, अब आप इस क्वेश्चन को कुछ नहीं कर सकते। इस ये क्वेश्चन या तो आपको पता है नहीं पता, क्योंकि प्योरली फैक्चुअल है। सो दिस इज आंसर इज डी। अच्छा, इसमें दिफ्लू रिवर और एक और नदी है, एक और नदी है, ठीक है। सो फॉर्म्ड बाय द मोरा दिफ्लू, यहां पर आपको दिफ्लू और मोरा दंसारी, अदर नोटेबल रिवर्स विद इन द पार्क इंक्लूड, ठीक है। सदर्न बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय मोरा दिफ्लू, नोटेबल नदियां जो हैं दिफ्लू और मोरा दंसारी आपको मिलती है, ठीक है। 37 टाइगर रिजर्व 2006 में बना था, ये सारे जानवर आपको यहां पर मिलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वन हॉर्न राइनोसॉर के लिए, ठीक है, एक सींग वाला गैंडा। इनमें से कौन सी नदी इंडस वाटर ट्रीटी में नहीं आती, 1960 इंडस वाटर ट्रीटी, बहुत इंपॉर्टेंट भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगर आपको इतना समझ आ गया कि भारत और पाकिस्तान है, तो इनमें से कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में फ्लो ही नहीं करती, तो ट्रीटी का कहां से मतलब आता है। अब ये क्वेश्चन एक हो सकता है किसी के दिमाग में कि 1960 में तो बांग्लादेश बना नहीं था, तो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। अब आप ये समझो, इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी नहीं है, ठीक है, इनमें से इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है, सिंपली तो इंडस की ट्रिब्यूटरी आपकी तीस्ता नहीं है। तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र की, तो ऑब्वियसली, ठीक है। सो आंसर आ गया आपका तीस्ता। सो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में करंट अफेयर्स में हमने कई बार चर्चा की है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हिमालयाज इज नॉट करेक्ट? दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, दे हैव जियोसिंक्लाइनल रॉक्स। हाँ जी, जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन है ना, ये अपने क्लास में काफी डिटेल में बताया है इसके बारे में। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट सेपरेट्स हिमालयन हिमालय फ्रॉम द तिब्बत। इंडस एंड सतलुज रिवर्स फॉर्म एंटीसीडेंट ड्रेनेज इन हिमालयाज।
वॉट इज एंटीसीडेंट, हाँ जी पूर्ववर्ती, वॉट इज पूर्ववर्ती, जो हिमालयस के बनने से पहले फ्लो कर रही हैं, हिमालयस के बनने से पहले से फ्लो कर रही हैं, इसीलिए आपको क्या मिलता है यहां पर, गॉर्जेस मिलते हैं, आई शेप्ड वैली मिलती है, आई शेप्ड वैली। आई शेप्ड वैली ठीक है, हाँ जी आंसर है आपका सी। देखो यंग फोल्ड माउंटेन है सही है, जियोसिंक्लाइनर रॉक्स है सही है, ठीक है ये आंसर भी सही है। देखो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो है हिमालयस को अलग करते हैं गंगा प्लेन से, ठीक है गंगा प्लेन से, नॉट तिब्बत। प्रीति शर्मा नमस्ते, वेलकम टू द सेशन, जय हिंद। ओके सो गंगा प्लेन से ये आप देख सकते हैं, सो ये रहा आपका, ठीक है सो इंडो गंजेटिक प्लेन, फ्रंटल थ्रस्ट ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, सेंट्रल थ्रस्ट, ये इस तरीके से आपको मिलता है, ठीक है तो ये आपको गंगा प्लेन जो है हिमालय से अलग करते हैं। बुमला दर्रा कहां पर है, बुमला पास कहां पर है, हाँ जी बुमला पास। जियोसिंक्लाइनर रॉक्स कौन सी होती हैं, जियोसिंक्लाइन एक जियो प्लस सिंक्लाइन, सिंक्लाइन होता है खड्डा डिप्रेशन, जियो माने अर्थ, अर्थ में एक डिप्रेशन है, दो प्लेट्स हैं एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, इनके सेडिमेंट यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू होते हैं, ठीक है जैसे कि आपका थैथिस जियोसिंक्लाइन था, थैथिस जियोसिंक्लाइन था, थैथिस जियोसिंक्लाइन की तरफ दो प्लेट्स मूव करती हैं, बीच में जो थैथिस जियोसिंक्लाइन था एक तरफ इंडियन प्लेट थी और एक तरफ यूरेशियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट थी, तो जब दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करी उसकी नदियों का जो सेडिमेंट्स है वो यहाँ पर जियोसिंक्लाइन में एक्यूमुलेट होता गया और यही सेडिमेंट जो है फोल्ड होकर हिमालयस बन गए, वही सेडिमेंट्स फोल्ड होकर हिमालय बन गए। हाँ जी बुमला पास ठीक है, जियोसिंक्लाइन एंटीसिंक्लाइन, जी हाँ आई होप क्लियर हुआ एकता, हाँ जी ये जियोसिंक्लाइन क्लियर हुआ, थैथिस जियोसिंक्लाइन एग्जाम्पल है, ठीक है एक तरफ इंडियन प्लेट थी एक तरफ यूरेशियन प्लेट थी, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही थी, उसके सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए वही फोल्ड, इसीलिए हम कहते हैं कि जो हिमालयस है वो सेडिमेंट्री रॉक्स, मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इसीलिए ओके सो आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश बुमला पास। बोमडीला योंग्याप दिहांग पास डाइफर पास कुमजवांग पास चंकन पास लेखा पानी एंड पुंजन, पुंजन पास ठीक है। सो अरुण ने दीपावली के दिन कम बम चलाए, ठीक है अरुण ने दीपावली के दिन कम बम चलाए, सो अरुणाचल प्रदेश दीपावली से दैफर पास, दिन से दिहांग पास, कुम से कमजवांग पास, बॉम से बॉमडीला, चल से चंकन पास, ये से यंगया पास, तो ये होगी ट्रिक ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, अभी जस्ट मैंने आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बताया, इनमें से मतलब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जितनी भी हैं उनके एग्जाम्पल दी, साबरमती माही नर्मदा तापी मांडोवी जुआरी ठीक है शरावती ओके, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर पश्चिम में बहने वाली नदियां, हाँ जी पेरियार कौन सा टाइगर रिजर्व है, किसी ने ऊपर बताया नहीं मेरे को, इस पे एक इस नदी के किनारे पर आपको एक टाइगर रिजर्व मिलता है, ओके बिल्कुल ठीक पेरियार ठीक है, ये आपका नदियां हैं, सो पेरियार इज वेस्ट फ्लोइंग, अदर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ताप्ती नर्मदा माही मांडोवी ज्वारी श्रावती ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, अच्छा पेरियार टाइगर रिजर्व ही है, वेरी गुड ठीक है यस पेरियार नदी के किनारे पर पेरिया टाइगर रिजर्व भी है, चलो बात सही। गिरसप्पा फॉल्स इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, गिरसप्पा फॉल्स जो है किस नदी के किस नदी पर है ये, आपको लोहित तुंगभद्रा श्रावती कृष्णा, इसके बारे में भी जस्ट अभी मैंने चर्चा करी ठीक है, गिरसप्पा फॉल्स ठीक है, गिरसप्पा फॉल्स किस नदी पर आपको मिलता है, बहुत फेमस फॉल्स हैं, बहुत लोग घूमने जाते हैं यहाँ पर, देखने जाते हैं स्पेशली ठीक है,
सो आंसर है आपका शरावती, ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, शरावती भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कर्नाटका में मेनली फ्लो करती है। जॉग फॉल्स भी बोलते हैं इसको, इट इज अ जॉग विलेज इन कर्नाटका फाउंड बाय शरावती रिवर, इट इज द सेकेंड हाइएस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया। सो यहां पर आप देखेंगे जॉग वाटरफॉल्स, ये रहा जॉग वाटरफॉल्स, ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट, अभी लेटेस्ट भी पूछा है, सीडीएस में भी पूछा था, ये गोकक फॉल्स पूछा था, दुदमा फॉल्स पूछा था, ठीक है, यस ठीक है जी, प्लीज चलो आगे चलते हैं। ये कुछ फॉल्स हैं, प्लीज इनको देख लीजिएगा, मैंने क्वेश्चंस करवाए थे आपको इससे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर रिवर बेसिन्स ऑफ इंडिया इज द शॉर्टेस्ट इन लेंथ एंड स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ कैचमेंट एरिया, इनमें से कौन सा नदी जो है जिसका रिवर बेसिन सबसे छोटा है? ऑप्शन है आपकी कावेरी, माही, पेनार, साबरमती। हाँ जी, इनमें से कौन सी नदी है जिसका रिवर बेसिन सबसे छोटा है? अब देखो इसको एलिमिनेशन से कर सकते हो, इन इन चारों ऑप्शंस में से कावेरी पेन्नार नहीं होना चाहिए, माही और साबरमती छोटी छोटी नदियां हैं, अब इनमें से देख लो माही है या साबरमती है, ठीक है ओके, मैक्सिमम लोग माही के साथ जा रहे हैं, आंसर है साबरमती हैज द स्मॉलेस्ट कैचमेंट एरिया, इट इज द शॉर्टेस्ट इन लेंथ, ठीक है, इट इज द करेक्टराइज बाय हैविंग द स्मॉलेस्ट कैचमेंट एरिया, ये रहे आपका, ये 21,000 है, माही का लगभग 34,000 है, ठीक है, सो आंसर हो गया आपका डी। ओके माही देखो यहां से चल के घूम के ठीक ठाक एरिया है ये यहीं से है आपकी, ठीक है, तो ये दो बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है, कर्क रेखा को दो बार क्रॉस करती है माही नदी, ठीक है, इसके बारे में एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। चलो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला वॉज कन्वर्टेड इन टू ग्रेट सेंटर ऑफ वल्केनिसिटी इन एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड, मिड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड, स्टार्ट ऑफ क्रिटेशियस पीरियड, होल ऑफ क्रिटेशियस पीरियड, ये क्वेश्चन तो एक्चुअली में टफ है, ठीक है, आई वुड से मतलब इस क्वेश्चन को या तो आपको बहुत ही कंफर्म है तभी इस क्वेश्चन को करिएगा, अदरवाइज स्किप दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, ऐसे 4, 5, 10 क्वेश्चन होंगे पेपर में जिनको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, अब इतना स्पेसिफिकली पता हो कि एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड है या मिड है या स्टार्ट है या होल है, ठीक है, हाँ अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है देन यू कैन ऑब्वियसली अटेम्प्ट इफ यू नो श्योर शॉर्ट। ओके सो दिस इज द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड, ठीक है, ये एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला जो है एक वल्केनिसिटी में आया, दैट इज एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू द मैक्सिमम इंडियन स्टेट्स, हाँ जी कौन सा जो है इसकी हवा भी नहीं लग रही, जी हाँ हवा लगा के करना भी क्या है, हवा को जाने दो, ठीक है, ऐसी बहुत सारी गर्म हवाएं हैं जिनको जाने देना चाहिए। ओके 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 22, 24, 26, ओके सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासिस थ्रू द मैक्सिमम इंडियन स्टेट्स, अब ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली आप सोचना कि इस तरीके से अब हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से गुजर रहा है तो 24 जो होगा वो बिल्कुल कहीं यहां पर होगा, सॉरी यहां पर होगा 24, ठीक है स्लाइटली अप, और उसके बाद 22 थोड़ा नीचे होगा तो यहां पर कम स्टेट्स क्रॉस करेंगे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की भी दो स्टेट्स क्रॉस कर रहा है ना ये, ठीक है नॉर्थ ईस्ट की भी,
और 26 की अगर मैं बात करूंगा तो वो यहां पर चला जाएगा भाई। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन, ये भी बहुत ज्यादा श्योरिटी से आप नहीं कह सकते, ये पेपर में ऐसा क्वेश्चन, ये तो अब आपने पढ़ा हुआ ये क्वेश्चन तो आप इजीली इसका सी कर रहे हैं टिक, बट पेपर में जब आप इसको करेंगे तो थोड़ा सा आपको ना मैप बनाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा श्योरिटी के साथ आंसर करने के लिए। ठीक है, आंसर इज 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालयन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इजी क्वेश्चन है इफ यू हैव रिमेंबर्ड। अगर आपने माउंटेन्स वाला टॉपिक पढ़ा है तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, कराकोरम, लद्दाख, जस्कार, पीर पंजाल, शिवालिक। अच्छा, हलवा है ये क्वेश्चन, क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो, जरा प्यार से सुलझाया जाए मसला। ठीक है, सो कराकोरम, लद्दाख, जस्कार, पीर पंजाल, शिवालिक, आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, अदरवाइज ऑल्सो आप ऑप्शन से क्लियरली आपको पता लग रहा है शिवालिक तो नॉर्थ में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पीर पंजाल भी इन, ये तो ऊपर है, ठीक है, इनमें आप देख सकते हो, कराकोरम पीर पंजाल से उसमें नहीं है, सो इलिमिनेशन से भी आप इजिली कर सकते हो। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पोजिशन इन द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट, पाक बे। तो यहां पर 1 2 3, 1 2 3 ऐसे करके समझो कि कौन कौन सी चीज है आपको मिलती है, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट, पाक बे। हाइफन है, ओके, सी कह रहे हैं सब लोग, पाक स्ट्रेट है, फिर पाक बे है, फिर गल्फ ऑफ मन्नार है। हाँ जी, कंफर्म है, सब लोग सी पे एग्री, मतलब ये सी और डी, अच्छा पाक बे, पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, ये सी मतलब ग्रुप वाला आंसर है। चलो गुड, सो ये रहा आपका पाक स्ट्रेट, ठीक है, पाक स्ट्रेट, ठीक है, देन पाक बे, देन आपका गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, बीच में एडम्स ब्रिज भी है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, चलो आंसर हो गया आपका सी, बिल्कुल ठीक, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही दिया है, सो पाक स्ट्रेट, ठीक है, ये आपका हो गया पाक बे और देन गल्फ ऑफ मन्नार। ये थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, पाक बे, ठीक है, ओके, नाउ रिवर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, रिवर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, पेनार, वाइगई, कावेरी, कृष्णा। हाँ जी, पेनार, वाइगई, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, कृष्णा आपका मेनली कर्नाटक वाले रीजन में, और कावेरी आपका मेनली तमिलनाडु वाले रीजन में, चलो इतना हिंट बहुत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एडम ब्रिज की जगह आप राम सेतु, मतलब शिकायत मत कर देना आप मेरी, आप ठीक है जी, ओके, सो सबसे पहले ऊपर कौन सी नदी आएगी आपकी, कृष्णा, सो डी का हो गया 1, ठीक है, डी का हो गया 1, फिर इन दोनों कृष्णा और कावेरी के बीच में, सो ये हो गई 3, ठीक है जी, कृष्णा और कावेरी के बीच में आपकी पेन्नार, सो ये हो गया 2,
और ये हो गया आपका 4. सो 2, 4, 3, 1 आंसर हो गया आपका ए. आंसर हो गया आपका ए. क्लियर? 2, 4, 3, 1. ओके. बॉर्डर ऑफ सिक्किम लोकेशन इन मैप. नेपाल, भूटान, चाइना, वेस्ट बंगाल. अब ये सिक्किम है. देखो इसमें ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया नेपाल, ठीक है, ये हो गया भूटान और ये हो गया चाइना. ठीक, अब देख लो कौन कौन सा है. नेपाल ए 4, भूटान का हो गया 2, चाइना को हो गया 1, अरे हो गया 3. 4, 2, 1, 3 आंसर क्या हो गया आपका? सी. आंसर हो गया आपका सी. यही हुआ ना. ये नेपाल हो गया, ये चाइना हो गया, नेपाल, वेस्ट बंगाल, इधर भूटान हो गया, इधर चाइना. अदरवाइज ऑल्सो आप ये सोच लो ना, ये डोकलाम प्लेट्यू वाला इशू नहीं आया था, डोकलाम प्लेट्यू वाला रीजन. तो डोकलाम प्लेट्यू वाला रीजन क्या था? ट्राई जंक्शन ही तो था, जिसमें सिक्किम में चाइना और तिब्बत, ये भूटान, तो वो बेसिकली रोड बना रहे हैं. ठीक है, क्लियर? सो आंसर हो गया आपका सी. तो उसी से याद रख लो. Which one of the following is not a desert river? कौन सी desert river नहीं है? ठीक है, कौन सी desert river नहीं है? Barak river, Rupen, Banas, Machu. Okay. निम्नलिखित में से कौन सी रेगिस्तानी नदी नहीं है? और ये बहुत ज़्यादा important है अभी के लिए, क्योंकि मणिपुर चल रहा है न्यूज़ में. ठीक है, मणिपुर न्यूज़ में चल रहा है, तो मणिपुर से related, मणिपुर की geography से related question पूछा जा सकता है. ठीक है, this is how they pick the questions, the particular place which is a news, so they try to ask the question related to geography of that particular area also. So yes, desert river नहीं है. Barak river northeast में, northeast में कौन सा desert है? ठीक है, so Barak river holds significance in the state of Manipur and Mizoram through their territories. ठीक है, और sorry, ये हो गई आपकी मच्छू river जो हम बात कर रहे थे अभी, and ये है आपकी Barak river. ठीक है, ज़्यादा clear नहीं आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है Barak river. ठीक है, ओके. सॉल्ट से रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स सॉल्ट कंटेंट इज सो हाई दैट कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द सलाइन वाटर इन सम एरियाज. पीटी सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल. निम्नलिखित में से किस मिट्टी में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि कुछ क्षेत्रों में खारे पानी को वाष्पित करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है? पीटयुक्त मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी. सो आंसर है आपका एरिड सॉइल. हाँ, एरिड सॉइल में से पानी जब आपका इवेपोरेट हो जाता है, इतनी ज़्यादा इवेपोरेशन है, वेपो ट्रांसपिरेशन है, कि आपके सॉल्ट्स जो हैं ऊपर आ जाते हैं. ठीक है,
ठीक है, इसीलिए आपको वैक्सी और यहाँ पर आप कह सकते हैं कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है। सो दैट इज द जीरो फाइट्स यू फाइंड ओवर हेयर, जीरो फाइट्स, ठीक है। इन इंडिया कार्डमम हिल्स आर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ, कार्डमम हिल्स किस चीज की कैपिलरी एक्शन देखने को मिलता है, देते हैं, वेरी गुड, ठीक है, यू वी विल फाइंड द कैपिलरी एक्शन इन दिस। सो कार्डमम हिल्स, इलायची हिल्स जो है कहाँ पर है, किसकी एक्सटेंशन है? देखो मिजो हिल्स और नागा हिल्स तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में फिर भी कंफ्यूज हो सकते हो, बट हैविंग सेड दिस, अब यहाँ पर हम वो पढ़ते ना कैन, तो यहाँ पर कार्डमम हिल्स में आपको किस तरीके का क्लाइमेट मिलता है, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडुअस, इट इज मोर, दैट इज द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, आंसर इज योर, अरे क्रेजी नेम, क्रेजी क्यों हो रहे हो, मतलब वो वाली बात नहीं है कि यस यस मेरे को आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में मतलब वो ऐसे मत करने लगाना, ठीक है, चुपचाप टिक करके गोला मार के आगे बढ़ना, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। आंसर इज डी, चलो कार्डमम हिल्स, ठीक है जी, ये हो गया कार्डमम हिल्स। लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज, ठीक है जी, रिवर और ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? ओके, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, ठीक है, नहीं वो स्पैम नहीं कर रहा था, वो अत्यंत भावुक हो गया था, मतलब कि यस मेरे को आता है ये क्वेश्चन। ओके, सतलुज जो है इंडस की ट्रिब्यूटरी, ये तो खैर आपको ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए वैसे, कोसी जो है गंगा, तीस्ता ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और चंबल होगी यमुना, सो आंसर क्या हो गया, 4321, 4321 आंसर क्या हो गया आपका, सी आंसर हो गया आपका सी, ठीक है, तो सीधा सीधा आपका आंसर हो गया सी। अरे वाह, पंछी का भी है आज तो, क्या बात है, सो आंसर है आपका, अरे ए तो मत करो आंसर, ए कौन कर रहा है, सतलुज, इंडस, 4321। चलो, रिवर कावेरी हैज अ वेल डेवलप्ड वैली, वैली ऑफ रिवर अलकनंदा इज स्टिल ग्रोइंग, रिवर कृष्णा इज द लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, हाँ जी, कौन सी नदी जो है लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है? रिवर कावेरी हैज वेल डेवलप्ड वैली, वैली ऑफ रिवर अलकनंदा इज स्टिल ग्रोइंग, सर गलती से हो गया वो, कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ जी, सो लार्जेस्ट है ये रिवर कृष्णा, गोदावरी, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, इट हैज वेल डेवलप्ड वैली, रिवर ऑफ अलकनंदा, हिमालयन रिवर्स अभी भी बन रही हैं, अभी भी ग्रो कर रही हैं, दिस इज राइट, आंसर हो गया आपका बी, ठीक है, सो आंसर हो गया आपका बी, ठीक है, चलो। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेशन रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल, अगेन अब ये क्वेश्चन आपको इलिमिनेशन से ध्यान से पढ़ के करना है, जल्दबाजी में नहीं करना इस तरीके का क्वेश्चन। ओके, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, रायपुर, अब इनमें से सबसे ज्यादा बारिश किस में होती है, ठीक है, अब लॉजिकली एक एक करके चलते हैं। देखो तेलंगाना वाला रीजन जो है हम जनरली सेमी एरिड रीजन कहते हैं, तेलंगाना वाला रीजन जो है सेमी एरिड में आता है, तो हैदराबाद वाला ऑप्शन कट हो गया, ठीक है, सेमी एरिड मतलब उतनी बारिश नहीं होती है। ओके, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पंजाब हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, वैसे ही थोड़ा कम बारिश, अगेन बेंगलुरु और रायपुर बचा, ठीक है, बेंगलुरु में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पर मैंगलोर है, मैंगलोर,
मैंगलोर, मैंगलोर में खूब बारिश होती है, पर बैंगलोर यहां लाई करता है वेस्टर्न घाट्स के कह लीजिए लीवर्ड स्लोप में, ठीक है, तो यहां पर बारिश उतनी नहीं है। हाँ, नेक्स्ट आ गया रायपुर, ठीक है, सो आंसर क्या आएगा आपका, रायपुर, ठीक है, आंसर हो गया आपका रायपुर। तो ये थोड़ा सा आपको ना पेपर में ऑप्शंस दिमाग में एलिमिनेट भी करनी है सारी। ये देख लो, ये ऑप्शंस हैं, रायपुर में इतनी बारिश हो रही है, फिर वो कह रहा है दिल्ली में लगभग इतनी बारिश हो रही है, ठीक है, और एग्जाम्पल दे रहा है, ये बाकी सिटीज का भी एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है, बाकी सिटीज का भी एग्जाम्पल दे रहा है कहाँ पर कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, ठीक। इसमें चेन्नई को देख लो, ठीक है, मिलीमीटर्स में देख लो, क्योंकि हम जनरली एमएम में देखते हैं, 154 सेंटीमीटर हो गया, 1541, और देहरादून, ठीक है, उत्तराखंड वाले देख लें अपनी, उसके अलावा रायपुर, ठीक है, सो ये हो गया रायपुर, गुवाहाटी, ठीक है, वेयर वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप इन इंडिया, कहाँ पर आपको फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ सेटअप किया गया था, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, नंदा देवी, नीलगिरी, 1971, वे बैक इन 1971, 90, हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब 1970s में सबसे पहले किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है जी, नील, सो इंट्रोड्यूस्ड बाय इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल यूनेस्को इन नवंबर 1971, डेजिग्नेटेड प्रोटेक्टेड एरियाज एम्ड एट कंजर्विंग प्लांट्स एंड एनिमल्स विद इन द बाउंड्रीज, वन सच बायोस्फीयर रिजर्व इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व व्हिच वाज एस्टेब्लिश्ड। ओके, टूरिस्ट प्लेसेस और स्टेट, टूरिस्ट प्लेसेस और स्टेट, केरल, हिमाचल प्रदेश, ये स्टेट्स हो गया आपका, कलाकाड़, ज्वालामुखी, मुन्नार, वैली ऑफ फ्लावर्स, खैर ये सारी ही बड़ी फेमस जगहें हैं, एनी बडी हु हैज़ गॉन टू केरल, सो दैट्स अ वेरी फेमस पिकनिक हिल स्टेशन, ठीक है, केरल का एक बहुत फेमस हिल स्टेशन है, बहुत सारे टी गार्डन्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ज्वालामुखी, हाँ जी, ये वैसे उल्टा होना चाहिए था, ये सी का हो गया वन, ये ए बी सी डी ना इस तरीके से दिया है, ये थोड़ा सा ये है, सी का हो गया वन, ठीक है, ज्वालामुखी हो गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी, वैली ऑफ फ्लावर्स हो गया उत्तराखंड, सो उत्तराखंड हो गया थ्री, और ये हो गया आपका फोर, सो 4213, 4213 क्या आ गया आपका, सी आ गया, ठीक है, 4213, मुन्नार इज अ वेरी फेमस टी गार्डन्स, ठीक है, बहुत अच्छी जगह है, और ये जगह में तो आई थिंक मैं बचपन में हर साल गया हूँगा, ठीक है, ये हिमाचल में, एनी बडी फ्रॉम हिमाचल, सो बहुत फेमस है, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, ठीक है, सो बहुत सारे मंदिर हैं, तो बहुत सारे लोग स्पेशली फ्रॉम पंजाब हरियाणा यूज टू विजिट दीज प्लेसेस, ठीक है, इन हिमाचल, तो ये हो गया आपका 4213, सो आंसर हो गया आपका सी। ओके, ठीक है जी, ब्लैक सॉइल्स अकर मेनली इन महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात, अल्यूवियल सॉइल्स आर कन्फाइंड मेनली टू द नदरन प्लेन्स, ब्लैक सॉइल्स अकर मेनली इन महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात, एल्यूवियल सॉइल्स आर कन्फाइंड मेनली टू नदरन प्लेन्स, दोनों स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ब्लैक सॉइल है ना, ब्लैक रेगुड़ सॉइल जिसको हम रेगुड़ सॉइल बोलते हैं, रेगुड़ सॉइल,
सो ब्लैक कॉटन सॉइल, तो ये आपका महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात में एलिवल सॉइल्स मेनली लिखा है, मेनली, ठीक है, ये भी मेनली लिखा है, इट इज नॉट के ओनली, ठीक है, अगर ये एलिवल सॉइल्स ओनली टू द अनदर प्लेस गलत हो जाता, ठीक है, तो क्योंकि जो एल्यूवियल सॉइल्स है वो आपको जहां पर नदियां डेल्टा बनाती हैं, गोदावरी, ठीक है, यहां पर कृष्णा, कावेरी, वहां पर भी आपको एल्यूवियल सॉइल मिलती है। सो आंसर हो गया आपका दिस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इट इज मेनली, अगर ओनली होता हो गलत हो जाता स्टेटमेंट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एग्जिबिट हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी। अब ये बहुत ही मतलब सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। यस, ड्राई डेसिडुअस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडुअस मैंग्रोव फॉरेस्ट। नहीं, देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी होती है पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बराबरी नहीं है। हाँ, मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में हमने एक ये चीज पढ़ी थी कि रीसेंट रिसर्च ये कहती है कि कार्बन सिंक बहुत अच्छा है, ये इवन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी अच्छा कार्बन सिंक है, बट ये अभी तक बुक्स में नहीं है। तो अगर हम इन दोनों में से हमें ये देखना है कि बेस्ट हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव रेन फॉरेस्ट कैन नॉट मैच द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, तो आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक्स हैव ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स रिलेटेड टू प्लांट्स यू कैन से, ठीक है, या वेजिटेशन, सिंपल के नेचुरल वेजिटेशन। बुंदेलखंड प्लेट्यू हैज थॉर्न एंड स्क्रब टाइप ऑफ वेजिटेशन, बुंदेलखंड, हाँ जी, बुंदेलखंडी भाषा, सात, छः सात डिस्ट्रिक्ट आते हैं यूपी के, छः सात डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके मध्य प्रदेश के, दैट सेंटर वाला रीजन, ठीक है, भींड, मुरैना, पान सिंह तोमर, चंबल रिवाइंस, ठीक है, पानी के जहाजते गए थे या हवाई जहाजते गए थे, दैट वेरी फेमस बुंदेलखंडी भाषा। ओके, सो दिस इज ट्रू, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं आपको। मॉइस्ट क्यों कह रहा हूँ, ड्राई क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि बारिश होती है जी, पहाड़ है, ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल मिलती है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, थॉर्न और स्क्रब फॉरेस्ट मिलता है, सूखा इलाका है क्योंकि वाटरशेड है, एक तरफ नदियां या तो गंगा बेसिन है या फिर आपको जो प्लेट्यू वाली नदियां मिलती हैं, तो ये रीजन ही ऐसे है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं होता है, वाटर डेफिशिट रीजन है। जैसे देखो महाराष्ट्र में आपको मराठवाड़ा रीजन मिलता है, वाटर डेफिशिएंट एरिया, वैसे ही आपको ये वाटर डेफिशिएंट एरिया मिलता है, बैडलैंड टोपोग्राफी, यस, ठीक है, सो यहाँ पर आपको दोनों स्टेटमेंट सही हो गई, इसमें क्लियर हो गया। सो आंसर इज नॉट बी जो कई बच्चे लिख रहे थे या ए लिख रहे थे। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मंकी कॉल्ड लॉइन टेल्ड मकाऊ नेचुरली पाया जाता है, लॉइन टेल्ड मकाऊ, ये तो मैंने क्लास में कई बार हमने डिस्कस किया है, लॉइन टेल्ड मकाऊ, शिवालिक्स, पंचमढ़ी, नल्लामला हिल्स, नल्लामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज हमने 35 क्वेश्चन इस सेशन में कर लिए हैं, विल ट्राई टू कवर एज मैक्सिमम एज क्वेश्चन पॉसिबल द नेक्स्ट सेशन एज वेल। जी हाँ, आंसर है आपका नीलगिरी हिल्स में आपको ये मिलता है, ठीक है, सो वेरी फेमस दिस लॉइन टेल्ड मकाऊ। एक्चुअली जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का कंसेप्ट है वो 1971 में आया था, ये 1986 में ऐड हुई है, ठीक है, तो ये प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, मैंने पहले जो स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, ओके ओके। सो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आखिरी में क्या हो सकता है, ठीक है, आखिरी में बहुत कुछ हो सकता है, आखिरी जो लैप होता है ना वो डिसाइड करता है विनर कौन होगा, आखिरी लैप डिसाइड करता है कि आप में कितनी परसिस्टेंस है, आप में आपका अपने आप पर कितना संयम है,
आखिरी लैप डिसाइड करता है कि आप में वो जो रिजर्व एनर्जी कितनी है, ठीक है, आखिरी लैप डिसाइड करता है कि विनर कौन होगा, ठीक है। तो ऐसे मत समझिएगा कि दिन खत्म हो गए हैं, अभी दिन हैं और हर दिन में बहुत कुछ रिविजन की जा सकती है, ठीक है। सो लास्ट मिनट गोल विल चेंज द एंटायर गेम, सो ट्राई अप टू द लास्ट मिनट, एनीथिंग विल बी पॉसिबल, ठीक है जी। सो डोंट थिंक के द गेम इज ओवर नाउ, गेम इज नॉट ओवर, इवन इन द एग्जामिनेशन हॉल डोंट पैनिक इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स, इवन इफ द पेपर इज टफ, जस्ट थिंक, जस्ट रिमाइंड ऑफ योर सेल्फ दैट यू हैव स्टडीड वेल, इफ दिस पेपर इज टफ फॉर मी इज टफ फॉर एवरी वन एल्स, कट ऑफ नीचे जाएगी, ठीक है। जस्ट गिव योर सेल्फ दिस थिंग, री इन्फोर्स दिस थिंग, नहीं मेरे लिए टफ है, बाकी बच्चों के लिए भी टफ होगा। नाउ आई हैव टू आइडेंटिफाई दोज टॉपिक्स विच आर इजियर इन दिस होल पेपर, किस पे मेरे को फोकस करना है, कौन सा टॉपिक, कौन सा एरिया ईजी है, और मैं उन एरियाज को करूँ और मेरे को अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद। 6 बजे मिलते हैं सेशन में, और प्लीज़ अपना बाकी चीज़ें रिवाइज करते चलिए, जहाँ जहाँ से आपने, जहाँ से भी पढ़ा है, ठीक है, जहाँ से भी पढ़ा है उसी चीज़ को रिवाइज कीजिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ, साइकोलॉजी के एक बेसिक कंसेप्ट हैं, इवन आप पेजेस को फ्लिप थ्रू करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ रिविजन, ठीक है। आप सिर्फ चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स को देखते हैं, अपने नोट्स को देखते हैं, दैट इज ऑल्सो रिविजन, ठीक है। दैट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन इन रिकॉलिंग, आपके रिकॉल वैल्यू को बढ़ाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर।